ये एक फोटो खिंचा लीजिए, बोलो ना। अरे पूरी पूरी जा रहा हूं मैं अंदर कि उसके जो है वहाँ पर मीन प्रतिष्ठान जहाँ निर्माण इकाई था वह साई फूड प्रोडक्ट की निर्माण इकाई का नाम था, वहाँ पे 3 सैंपल कलेक्ट किए गए थे। एक आपका जो है फैट शॉर्टनिंग का था और एक जो है ब्लैक नमक का था और एक आयोडाइज साल्ट सामान साल्ट था। तो 2 सैंपल उसके पास आए हैं, जो ब्लैक नमक था वो पास आया है और आयोडाइज साल्ट पास आया है। यह जो फैट शॉर्टनिंग है वह सब स्टैंडर्ड आया है, अधोमानक आया है। उसमें फैट का जो फैटी एसिड होता है वह स्टैंडर्ड जो हमारा है 5% बाई वेट है, उससे जो है अधिक पाया गया, 5.7 पाया गया। उसी आधार पर वह अधोमानक हो करके हमारे द्वारा 46(4) की नोटिस उनको भेजी गई है। अगर वह लैब से असंतुष्ट हैं तो 30 दिन के अंदर हमारे यहाँ अपील कर सकते हैं। अगर वह अपील नहीं करते हैं तो फिर जो है हमारे संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो है हमारे सम्मुख जो है मुकदमे पेश किए जाएंगे और वह मुकदमे हमारे द्वारा सैंक्शन होकर के यू कोर्ट पे भेजे जाएंगे और सब स्टैंडर्ड पर मैक्सिमम पेनाल्टी 5 लाख की जाती है। तो संभवतः जो है उनको पेनाल्टी की कार्रवाई भी की।